Hey guys, my name is Uchi. Welcome and welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So if you are new to my channel, I make videos on beauty, fashion, lifestyle and much more. And if you have been connected with me, thank you so much for subscribing to my channel. So today is 20th of October or aaj se 3-4 din baad, I guess on 24th if I am not wrong. So on 24th is Karwa Chauth. This vlog will be an extended vlog till 24th. Not 24, 23rd तक I'll try to vlog. तो जो भी मैं करवा चौथ की प्रिपरेशन करूँगी तो I'll try to incorporate everything in this vlog. और मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो वाले प्रोडक्ट यूज़ करूँ या वो वाली चीज़ें करूँ जो ईजली आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगी या आपके पास होंगी ही या आप जाके परचेज कर सकते हैं. बहुत एक्सपेंसिव आइटम आई डोंट वॉन्ट टू इनकॉर्पोरेट इन दिस व्लॉग कि आप मुझे देखें और बहुत महंगा सा कुछ सामान खरीद लाएँ. एक अफोर्डेबल रेंज के आर ट्राई टू यूज़ प्रोडक्ट्स और उन्हीं से हम कैसे अपनी करवा चौथ को और स्पेशल बनाएंगे. आई ट्राई टू डू दिस थिंग इन दिस ब्लॉग. तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ब्लॉग. अभी तो मेरा ऑफिस चल रहा है तो मैं अपना ऑफिस का काम पूरा करने के बाद आई गेस 4 या 5 बजे स्टार्ट करूँगी फेशियल वाला आइटम. तो आज हम करेंगे फेशियल और मेरे पास 2 किट है फेशियल के लिए. एक एक खादी की जिसकी प्राइस है अराउंड 250 रुपीज़ और वो 2 बार ही चल जाती है, मतलब 2 बार आप उसको यूज़ कर सकते हैं. मैं आपको भी दिखाऊंगी कि वो किस टाइप की फेशियल किट है. और एक है मेरे पास लोटस की, तो लोटस का भी प्राइस रेंज इसी के आसपास है. तो मैंने लोटस का पहले भी यूज़ किया है, उसके रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया थे. तो इस बार मैं करूँगी खादी का. तो और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको लोटस के लिए जाना चाहिए या खादी के लिए. यह है खादी वाली किट जो है गोल्ड रेडियंस किट और इसका जो प्राइस है वो है 300 रुपीज़. तो इसको ओपन करते हैं और साइड में मेरे पास ये भी एक ऑप्शन है VLCC का, तो VLCC पपाया फ्रूट फेशियल किट. इसको मैंने पहले भी यूज़ किया इसका डायमंड वाला, तो उसके रिजल्ट्स तो काफ़ी बढ़िया थे. और अभी मैं आज यूज़ करूँगी खादी वाला और इसका जो प्राइस है वो है 257. यह है खादी वाली किट जिसमें इस टाइप की कुछ छोटी सी डिब्बी दे रखी हैं और इनके ऊपर स्टेप 1 स्टेप 2 करके लिख रखा है. स्टेप 1 क्लिंजर, स्क्रब, मसाज क्रीम, फेशियल जेल और मास्क. तो चलो शुरू करते हैं अपना फेशियल. तो यहाँ पे मैंने अपने बाल अच्छे से टाई कर लिए हैं और अब मैं वेट वाइप्स की मदद से अपने मुंह को अच्छे से साफ कर लूँगी. आप यहाँ पे मेकअप रिमूवर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास वेट वाइप नहीं है. तो ये हमारी खादी की किट जिसमें 5 स्टेप्स हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ क्लिंजर. तो हमें क्लिंजर की स्मॉल क्वांटिटी अपने हाथों में लेकर ऐसे फेस पे सर्कुलर मोशन और नेक पे 5 to 10 मिनट्स के लिए अच्छे से इसको जेंटल मसाज देना है. उसके बाद आप किसी भी गीले टॉवल से या फिर मॉइस्ट कॉटन से इसको वाइप ऑफ कर सकते हैं. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्क्रब. तो ये ऐसे येलो कलर का थोड़ा शाइनी सा स्क्रब है इसका और इसको हमें थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में अपने हाथों में लेना है और जिस एरिया में हमारे ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं वहाँ पे जाके हमें इसे स्क्रब करना है. अपनी आईज़ के पास हमें स्क्रब को अवॉइड करना है क्योंकि उससे आंखों में जलन हो सकती है. सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ मसाज क्रीम. तो इस मसाज क्रीम को हमें थोड़ा सा अपने हाथों में लेना है और उसके बाद इसे सर्कुलर मोशन में 5 से 10 मिनट के लिए अपने फेस की मसाज करनी है. इस पूरी प्रोसेस में हम अपने नेक को बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, तो इसलिए हमें अपने नेक में भी थोड़ा सा क्रीम लेके उसकी मसाज करनी है. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है फेशियल जेल. तो ये भी ऐसा स्क्रब की तरह काम करेगा, तो इसको भी हमें थोड़ी सी क्वान्टिटी में लेना है, अपने फेस पर लगाना है और उसके बाद हमें 5 मिनट में सर्कुलर मोशन में स्क्रब करना है. इस स्टेप के बाद आप अपने फेस को मॉइस्ट कॉटन से क्लीन भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्टली अपने नेक्स्ट स्टेप में जंप करेंगे. तो हमारा फाइनल स्टेप है मास्क. तो ये एक येलो कलर का मास्क है, तो जैसे ही हल्दी और बेसन का उपटन होता है उसी टाइप का इसका टेक्सचर है और इसको हमें अच्छे से अपने फेस पे लगाना है. तो जो भी हमारे ब्लेमिशेज होंगे, डार्क पैचेज होंगे, वो इस फेस मास्क से दूर हो जाएंगे.
फेस मास्क हमें अच्छे से अपने नेक में भी लगाना है, तो नेक को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। ओके गाइस, तो मैंने अपना फेस धो लिया है और अभी तो मुझे ऐसे पीला पीला सा मेरे फेस पे रंग सा आ गया है। ऐसा फील आ रहा है जैसे हम लोग हल्दी और बेसन का फेस मास्क लगाते थे ना, वैसे ही लग रहा था कि ये वैसा ही कुछ टाइप का फेस मास्क है। बट मुझे इसको लगाने के बाद ऐसा कुछ जैसे होता है कि थोड़ी सा जलन मचती है या कुछ स्किन पे थोड़ा असर होता है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बस आई गेस पूरा आयुर्वेदिक है, तो अभी इंस्टेंट तो इसका कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा नहीं। आज के दिन मैं अपने फेस पे कुछ भी मॉइस्चराइजर या कुछ नहीं लगाऊंगी, सिर्फ प्लेन फेस वॉश से मुंह धो लूंगी और फिर कल देखते हैं कि कैसा लगता है फेस। सो गाइस, टुडे इज द नेक्स्ट डे और कल के फेशियल का हल्का हल्का असर सा कुछ दिखने लग गया है, स्किन थोड़ी अच्छी दिख रही है। सो अभी मैंने अपने फेस पे कुछ भी मेकअप नहीं लगाया है, उसके बाद भी स्किन थोड़ी सी फ्रेश और ऐसा लग रहा है कि कुछ करवाया है, तो मैं कहूँगी कि अच्छा मुझे लगा खादी का। तो आप ज़रूर उसको ट्राई कर सकते हैं, दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और आज हम करेंगे अपने बालों की पैम्परिंग। तो आज का जो डे है दैट इज़ हेयर डे, हेयर केयर डे। तो ये जो मास्क है इसको हम घर पे बनाएंगे, उसमें दो चार इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, घर पे यूजुअली मिल ही जाते हैं वो सारी चीज़ें, तो उसको बनाएंगे। उसको एक घंटे के लिए बालों में रखना है, उसके बाद अपने नॉर्मल शैम्पू से बालों को धो लेना है और उसके बाद बस अपने बालों को लहराते रहिए। तो चलो जल्दी से अपना मास्क बनाते हैं और अपने बालों को भी थोड़ा नरिशमेंट देते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा क्योंकि इसमें खूब सारा सेल्फ केयर और पैम्परिंग सेशन है और घर पे कम खर्चे में वो पैम्परिंग हो जाए तो क्या ही कहना। जो हमारा हेयर मास्क है उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ कर्ड, तो मैंने 4 से 5 टेबलस्पून कर्ड लिया है। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कोकोनट ऑयल 1 टेबलस्पून। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल, तो मेरे पास ये लैक्मे का एलोवेरा जेल है, आप कोई सा भी एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं। तो इस हेयर मास्क में आप अंडा या नींबू भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरा हेयर मास्क हो गया रेडी, अब मैं इसे अपने बालों में अच्छे से लगा लूँगी। तो मेरे स्प्लिट एंड्स बहुत है तो मैंने वहाँ पर भी अच्छे से अपना मास्क लगा लिया है। बस अब मैं इस मास्क को हाफ़ एन आवर 45 मिनट्स तक अपने बालों में रहने दूंगी और फिर उसके बाद वॉश कर लेंगे। चुप हो जा भाई। अरे ओके, तो हेड वॉश के बाद बाल हो गए हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बढ़िया। तो अभी तो ये बाल गीले हैं, थोड़ा सा मैं इसको ड्राई करती हूँ फिर उसके बाद ऑयलिंग करके मैं सो जाऊँगी। अभी तो मैंने इसको नॉर्मल शैम्पू से वॉश किया है बट अभी आज रात को मैं इसमें ऑयलिंग करने के बाद कल वापस से शैम्पू और कंडीशनर करूँगी, उसके बाद ये बढ़िया हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे। तो हमारे बालों की भी पैम्परिंग हो गई है, अब बचते हैं हमारा मैनीक्योर और पेडीक्योर। Guys, today is day 3, तो हमारी ये करवा चौथ सीरीज का डे 3 है। आज हम फाइनल पैम्परिंग करेंगे, तो बचे हुए हैं सिर्फ हमारे सुंदर सुंदर हाथ जिनको हम और सुंदर सुंदर बनाएंगे। तो आज हम करेंगे मैनीक्योर पेडीक्योर और कल के हेयर मास्क का असर आप देख सकते हैं, बाल कितने मस्त लग रहे हैं, कर्ल्स कितने अच्छे आ रहे हैं मेरे। तो ऐसे नॉर्मल जब मैं वॉश करती हूँ तो कर्ल्स में थोड़े से खुल जाते हैं, बट अभी मास्क लगा के करा है तो अभी अच्छे से कर्ल्स आ रहे हैं, थोड़ा शाइनी और लाइट लाइट से फील हो रहे हैं बाल। अभी लगा रखा है तो कुछ ज़्यादा भी फील हो ही रहा है बट एक्चुअल में इट्स वर्थ ट्राइंग। तो आज हम करेंगे अपने मैनीक्योर और पेडीक्योर। तो फेस की पैम्परिंग हमने कर ली है, बाल हमने कर लिए हैं, बचे हैं सिर्फ हमारे हाथ और पैर, उनको भी आज हम सुंदर बना ही लेंगे, फिर तो बस साड़ी लपेटनी है और कहर ढाना है। मैंने अपना ही मैनीक्योर पेडीक्योर करने के लिए बाथ सॉल्ट मंगाया था, तो आई एम ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मुझे भी नहीं पता कैसा एक्सपीरियंस रहेगा बट आई विल शेयर इट विद यू गाइस। तो मैंने ये अमेजोन से ऑर्डर किया था, वन डे में मुझे डिलीवर हो गया है। तो ये लेवेंडर बाथ सॉल्ट है जिससे आपको बहुत रिलीफ और बहुत रिलैक्सिंग होता है, ऐसा मैंने पढ़ा इसके बारे में। आई एम नॉट श्योर
एक्चुअल में भी ये इतना इफेक्टिव होता है या नहीं होता है वो तो यूज़ करने के बाद पता चला ही जाएगा। बाकी जो जो मैं मैनिक्योर पेडिक्योर में ऐड करूँगी मैं आपको साथ साथ बताते रहूँगी। और बस फिर ये हमारी जो करवा चौथ सीरीज़ है पैम्परिंग सेशन वाली वो आज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो 23rd और 24th है आई विल स्टार्ट अ न्यू व्लॉग ऑफ करवा चौथ। सांस ले लेती हूँ। तो आई स्टार्ट अ न्यू ब्लॉग फॉर दैट और इसको मैं उससे पहले ही अपलोड कर दूंगी सो दैट आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। और उसके बाद रेडी फॉर द करवा चौथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी नेल पेंट रिमूव कर लूँगी और उसके लिए मैं यहाँ पे कलर बार का नेल पेंट रिमूवर यूज़ कर रही हूँ। नेल पेंट रिमूव करने के बाद मैं यूज़ करूँगी स्क्रब। तो आप कोई सा भी स्क्रब ले सकते हैं और उसको मैं अपने पैरों में लगा के अच्छे से मसाज करूँगी। तो स्क्रबिंग मेथड से जितनी भी डेड स्किन होगी वो सारी रिमूव हो जाएगी। सेम प्रोसेस हमें अपने हाथ के साथ भी करना है। पहले हमें अपनी नेल पेंट रिमूव करनी है उसके बाद वही स्क्रब लेके हमें अपने हाथों को अच्छे से स्क्रब करना है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रब लेके अपने नेल्स अपने हाथों को अच्छे से स्क्रब कर लिया है तो जितनी टैनिंग भी होती है वो भी सारी हट जाती है ऐसे प्रोसेस करने से। और अब एक बकेट में हम लेंगे गर्म पानी और उसमें मैं ये ऐड कर रही हूँ बाथ सॉल्ट। तो बाथ सॉल्ट में अपना पैर डिप करने से काफ़ी रिलैक्सिंग लगता है। तो और उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे एक शैम्पू और उसके बाद मैंने आराम से अपने पैर डाल दिए हैं और लूफा की मदद से मैं अपने पैरों को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो इसमें जितना भी ये पानी में डिप करने से जितनी भी गंदगी होगी जितनी डेड सेल्स होंगे डेड स्किन होगी वो रिमूव हो जाती है। तो हमारा यहाँ पे मैनिक्योर पेडिक्योर डन। अब अपने पैरों को सुखा लेंगे। तो गीले होने के बाद हमारे जो नेल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं तो अब मैं इनको कट कर रही हूँ। सो अब है हमारा फाइनल स्टेप नेल पेंट। तो मेरी रेड कलर की साड़ी है तो मैंने उसी का मैचिंग रेड नेल पेंट दोनों हाथ और पैरों में लगा लिया है। एंड नाउ आई एम डन। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी अपने करवा चौथ को और स्पेशल बनाने के लिए। और मैंने तो ये सारा स्टेप जो है 3 दिन में किया था क्योंकि मुझे ऑफिस भी करना होता था साथ साथ में। आप लोग ये करवा चौथ से 1 दिन पहले भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, हार्डली इसमें 1 से 2 घंटे लगेंगे। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी करवा चौथ।